कन्नौज रेप कांड पर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। जिस नवाब सिंह के डीएनए को लिया गया था, यानी डीएनए सैंपल को लिया गया था, अब उसकी रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के आने के बाद चारों तरफ सनसनी है। हम आपको बता दें कि कन्नौज रेप कांड में अब रेप की पुष्टि हो गई है। जिस नवाब सिंह को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी हो रही थी एसपी और बीजेपी में, एसपी ने कहा था डीएनए सैंपल क्यों नहीं ले लेते, डीएनए सैंपल से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ऐसे में नवाब सिंह के डीएनए के सैंपल का टेस्ट रिपोर्ट आ चुका है और बड़ा खुलासा हो गया है कि कन्नौज रेप कांड में रेप हुआ था, इस बात की पुष्टि हो गई है। यानी कि नवाब सिंह की मुश्किलें अब आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, पूछताछ का दायरा बढ़ सकता है और ये कहीं ना कहीं एसपी के लिए भी एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। उप प्रकरण में घटनास्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। नवाब सिंह यादव कांड में एफएसएल को भेजी गई रिपोर्ट में डीएनए सैंपल मैच हुआ है, जिसके बाद में नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि डीएनए सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोकेश दुबे, न्यूज़ 18, कन्नौज।